जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ्रीका से आई महिला लापता हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। 8 नवंबर को जबलपुर पहुंची थी ये महिला। महिला का अब तक पता नहीं चल सका है। जी हां, क्योंकि अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से जहां एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही है कि जो महिला विदेश से आई वो महिला अब लापता हो चुकी है। महिला की तलाश के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो बड़ी खबर जबलपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अफ्रीका से जो महिला आई वो महिला लापता हो गई है। क्या है वो महिला जो आई है, वो है 18 नवंबर को आई है, ठीक है ना, एयर इंडिया की फ्लाइट से आई है। और ये जानकारी यहाँ पर मिली है 28 तारीख को कि ऐसी कोई महिला यहाँ आई है। तब हम लोगों ने उसके जांच करने के प्रयास शुरू किए, एयरपोर्ट से जाकर उनके रिकॉर्ड निकाले। उसमें एक महिला बोत्सवानिया से आई है, दक्षिण अफ्रीका से, ऐसा उसमें दर्ज है। उसका मोबाइल नंबर है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ बहुत साफ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप मचा हुआ है, राज्य सरकार की नींद उड़ी हुई है, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये कि महिला जो विदेश से आई, जो महिला अफ्रीका से आई, वो महिला अब लापता हो जाती है। महिला लापता हुई, खबर सामने आई और उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। लेकिन महिला की तलाश के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब महिला लापता होने की खबर सामने आती है कि महिला लापता हो गई और उसके लिए अभी तक तलाश उसकी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से महिला वहाँ पर पहुँची और उसके बाद क्या महिला में उस तरीके के कोई लक्षण होंगे। 8 नवंबर को जबलपुर पहुंची थी ये महिला और लंबा समय बीत चुका है। कुमार इंदर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, तमाम कयासों के बीच, तमाम संभावनाओं के बीच महिला लापता हो जाती है? हेलो कुमार इंदर, आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? जी। कुमार इंदर, तमाम कयासों के बीच, तमाम संभावनाओं के बीच 8 नवंबर को महिला लापता हो जाती है, लेकिन अभी तक महिला का पता नहीं लग पाया है, तलाश नहीं हो पाई है। देखिए मैं बता दूं आपको, जस्ट अभी अभी खबर निकल कर आ रही है, मेरे साथ खुद पीएमएचओ खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि महिला का पता चल गया है। जी सर, क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक महिला के बारे? उक्त महिला जो बोत्सवाना से दिल्ली के द्वारा 18 तारीख को जबलपुर आई है, उक्त महिला कोई सैन्य अधिकारी है और कुछ ट्रेनिंग पर्पस से जबलपुर आई है और उसको सीएमएम के उसमें क्वारंटीन रखा गया है। वो वैक्सीनेटेड महिला है और अंडर ऑब्जर्वेशन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारी टीम गई है उसको देखने के लिए, मेरी वहाँ के सैन्य अधिकारियों से बात हुई है, उनके यहाँ वो 18 तारीख से क्वारंटीन रखी। कहाँ पर है महिला अभी? सीएमएम में, कॉलेज ऑफ मटेरियल एंड मैनेजमेंट, ये सैन्य एजुकेशनल संस्थान है। सर और कुछ पता चला? इन्होंने नंबर भी बताया जा रहा है कि गलत दिया हुआ नहीं था। नंबर इनका गलत नहीं था, नंबर जो इनका था वो कुछ दिन लग नहीं रहा था। मेरी आज उसी नंबर पे बात हुई है, ये बोत्सवाना एम्बेसी के कोई व्यक्ति का नंबर है, उनने ही मुझे जानकारी दी है कि कोई मिलिट्री स्कूल में या मिलिट्री इसमें ट्रेनिंग के लिए आई है महिला, और उनकी जानकारी के हिसाब से आज हमने मिलिट्री वालों से कॉन्टेक्ट किया तो उनने जानकारी दी। तो क्या सर पहली बार ये महिला जबलपुर आई है, पहले चुकी है? ये जानकारी लेने के लिए हमने अभी टीम भेजी। कुमार इंदर, कितने लंबे समय तक महिला को क्वारंटीन रखा जाएगा, क्या आगे का प्रोसेस है? डिटेक्ट हुआ है क्या? नहीं, ये वहाँ से भी आरटीपीसीआर नेगेटिव था, जॉनसन का सिंगल शॉट वैक्सीनेटेड महिला है और अभी इसका हम पुनः टेस्ट कराएंगे। तो सर पुनः टेस्ट कराएंगे, अभी चलिए ये राहत भरी खबर है कि कुमार इंदर, महिला का पता लग गया है और 8 नवंबर से जो महिला लापता थी, ये राहत भरी खबर सामने आ गई है कि महिला का पता लग गया है। बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका जानकारी साझा करने के लिए, और महिला को क्वारंटीन भी कर लिया गया है, आगे का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में।